आई गेस आप देख सकते हैं कि आई हैव नॉट अप्लाइड एनी थिंग ऑन टू माई फेस. मैंने जस्ट एक मॉइस्चराइज़र लगा ली हूँ. मैंने जस्ट थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाई हूँ और मैंने लिप केयर में निविया का लिप बाम लगा ली हूँ. अदर देन दैट आई डोंट हैव एनी थिंग ऑन माई फेस. तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम एक प्राइमर यूज़ करेंगे. दैट इज़ दिस इज़ स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटी प्राइमर है ये. तो लेट्स गेट ऑन विद इट. मैं इसको थोड़ा सा लेके अपने पूरे फेस पे लगा ले रही हूँ. इतना सा प्रोडक्ट ली हूँ मैं. आई होप आप लोग सबको दिख रहा होगा. आई हैव जस्ट अप्लाइड द प्राइमर एंड कैन यू सी, एक पूरे मेरे फेस को जो है एकदम शाइनी एक इफेक्ट दे दिया है. तो विच आई जस्ट लव अबाउट दिस प्राइमर. नेक्स्ट स्टेप है, मेरी तरह है अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है. बाय द वे मेरे पास अभी भी फाउंडेशन नहीं है. आई हैव नॉट परचेस्ड एनी फाउंडेशन. आई एम गोइंग टू बी यूजिंग बीबी क्रीम. अगर आपके पास बीबी क्रीम है वेल एंड गुड. अगर आपके पास सीसी क्रीम है तो भी बढ़िया, और फाउंडेशन है तो क्या ही कहना. वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है. अगर आप ये लुक को डे टाइम पर पुल आउट करना चाहते हैं, डे टाइम पर यूज़ करना चाहते हैं, लाइक ये लुक आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगा और बहुत मतलब अच्छा है. डे टाइम वेडिंग लुक के लिए तो बेस्ट है. नाइट में भी आप ऊपर नीचे करके यू नो हाइलाइटर एंड उस तरीके के कलर्स फॉर योर आई शेडो यूज़ करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू बी यूजिंग बीबी क्रीम फॉर माई नेक्स्ट स्टेप. मैंने पूरे फेस पे बीबी क्रीम को अप्लाई करती हूँ गाइज. तो यू कैन सी कि मैंने पूरे फेस पे मैंने बीबी क्रीम अप्लाई कर दी हूँ. बीबी क्रीम सिंक इन हो रहा है या जब तक मेरी स्किन में ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होकर सेटल डाउन हो रहा है, मैं उसी के साथ चलते चलते मैं एक कंसीलर अप्लाई कर दूंगी. आप अपने कंसीलर्स को यू नो हाई पॉइंट पे भी यूज़ कर सकते हैं. एट द सेम टाइम जो भी आपके डार्क स्पॉट्स हो वहाँ पर आप उसे कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो आई एम यूजिंग दिस लॉरियल का हाईलाइटर वाला कंसीलर. हालाँकि ये मेरे शेड का नहीं है बट चलता है. इट डज इट्स जॉब. लाइक ये कवरेज का काम करता है गाइज. तो आई एम जस्ट, सो गाइज आई एम जस्ट ब्लेंडेड एवरीथिंग आउट. मैंने कंसीलर लगा लिया है, कंसील कर लिया है सब चीज़ों को. आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ अ पाउडर जस्ट टू सेट इट दोज प्लेसेस जहाँ पर भी मैंने कंसीलर यूज़ की हूँ. तो मैं ये बीबी का स्पिन्स का बीबी पाउडर यूज़ कर रही हूँ. अभी एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट आया है पॉन्ड्स का भी, दैट ऑल्सो यू ऑल कैन चेक आउट. दैट इज़ द बीबी पाउडर्स देयर. तो मैं इन लोग का ये बीबी पाउडर यूज़ कर रही हूँ. स्पिन्स का है, 20 रुपीज़ का ही आता है. इस तो का मैं एक हल्के ब्रश से इसको ले गया जिसका नाम अप्लाइड ऑल ओवर माई फेस. तो मैंने पाउडर से थोड़ा सेट कर दी हूँ ताकि मेरा जो कंसीलर हो थोड़ा ज़्यादा कैकी या केकी नहीं फील करे. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट टू डाइव इन. आई एम गोइंग टू बी यूजिंग लैक्मे का, दिस इज इंस्टा लाइनर. बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम वेरी गुड यूजिंग दिस काइंड ऑफ लाइनर. अगर आपको वो पेन लाइनर पसंद है तो यू ऑल कैन यूज़ इट अकॉर्डिंगली. मैं इसी को यूज़ करती हूँ, मुझे इसकी टिप यू नो कम्फर्टेबल लगती है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू यू नो विंक माई आईज. मैं एक आई लाइनर क्रिएट कर दूँ. लाइनर आप देख सकते हैं कि मैंने मेरे आँखों में लाइनर लगा दी हूँ. आई हैव गॉन फॉर अ बिगर बोल्डर लाइनर. लाइक आई मेकअप में थोड़ा मैंने थिक लाइनर यूज़ की हूँ एंड थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग एन आई शेडो. बट मैंने आई लाइनर बहुत ज़्यादा थिक लगाई हूँ एंड जैसे कि आप देख सकते कि मेरी जो आँखों की ये जो अपर आई लिड है इसमें और मेरे आईब्रोज में ज़्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है. आई शेडो का मेकअप ट्राई करने के लिए बट स्टिल आई विल बी अप्लाइंग एन आई शेडो जो कि एकदम वर्सटाइल सॉर्ट ऑफ न्यूड शिमरी है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दैट. ये यहाँ पर ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ. तो ये पैलेट से मैं आई विल बी यूजिंग दिस कलर. As you can see, this is the color that I will be using. ये एकदम एक ब्रिस्की न्यूड बोल सकते हैं आप. और भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पल तुमको ना पहले आई शेडो लगाना चाहिए था एंड देन यू शुड हैव अप्लाइड फॉर अ यू नो लाइनर. आई नो गाइज बट आई एम लाइक दैट ओनली लाइट योर. देखो आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा मैंने लगाई हूँ.
वंस इट्स डन आई विल गेट बैक टू यू। को दिख रहा होगा गाइज, मैंने पूरा आई शेडो जो है न्यूड कलर का आई शेडो आई जस्ट अप्लाइड इट एंड मैंने थोड़ा सा गोल्ड जो है गोल्ड कलर का जो आई शेडो है विच इज़ दिस वन, इसको लेके मैंने अपने इनर कॉर्नर्स पे ऐसे थोड़े हल्के हाथों से लगा दियो ताकि मेरी आईज जो है वो थोड़ी सी पॉप करे। क्या होगा कि एकदम इंस्टेंटली मेरी आँखों को बड़ी कर दी है ये। सो माई आई मेकअप इज डन। टू द नेक्स्ट थिंग दैट आई विल बी यूजिंग इज लास्ट स्टेप इज मस्कारा। मैं ये एसेंस का मस्कारा यूज़ कर, एशेज भी कर सकते हैं बिकॉज वेडिंग है, अगर आपको फॉल्सेस लगाना है गाइस तो आप फॉल्सेस लगा सकते हैं। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ टू अप्लाई द मस्कारा, तो मैंने अप्लाई करी हूँ। आपको साइड फेस है वो बहुत ज़्यादा प्लेन प्लेन लग रही है, तो लेट्स एड सम कलर। ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, आई विल बी अप्लाइंग अ ब्लश। मेरे पास ब्लश नहीं है गाइस, तो आई एम यूजिंग अ लिपस्टिक। आपके पास कोई भी पिंक लिपस्टिक हो, न्यूड लिपस्टिक हो, पीची लिपस्टिक हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ ब्लश। तो आई विल बी यूजिंग दिस लिपस्टिक। इसकी जो पिंक कलर है इट्स वेरी वेरी बहुत ज़्यादा पिंकिश है, तो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग ऑन माई आई पॉइंट। आई लव टू यूज़ माई ब्लश, लाइक जो भी मैं ब्लश अप्लाई करती हूँ आई लाइक टू यूज़ इट ऑन टॉप ऑफ योर। यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते हैं, आई लाइक इट योर। आई एम नॉट समवन हु इज़ वेरी गुड विथ दी कॉन्टोरिंग, तो मैं कॉन्टोर नहीं करने वाली हूँ मेरी फेस को। आई एम जस्ट गोइंग टू बी अप्लाइंग दिस। तो आप देखेंगे मैंने ब्लश को जो हाई पॉइंट पर लगाई थी तो वो एक थोड़ा कॉन्टोरिंग इफेक्ट दे दिया है। देन हम लोग फिनिश ऑफ करेंगे विद अ लिपस्टिक एंड ऑब्वियसली सेटिंग्स पर। अभी मेरे पास जो की है हाईलाइटर नहीं है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ यही आई शेडो पैलेट का। आई विल बी टेकिंग दिस गोल्डन कलर हियर और मैं इसको हल्के वे से अपने पूरे फेस पे नहीं, एज इन मेरे नोज एरिया पे आई विल बी जस्ट ब्लेंडिंग इट आउट। तो थोड़ा ब्लेंड, बहुत लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटर पसंद करते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज काइंड ऑफ पीपल जो बहुत ज़्यादा लेयर अप कर ले हाईलाइटर से, बिकॉज वो लाइट्स चलती है बॉक्सिंग एंड वो पूरा फेस पे चक 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 चक, आपका फेस दिखना चाहिए, ऐसा छुप नहीं जाना चाहिए वो हाईलाइटर के इसमें। तो अवॉइडिंग टू मच ऑफ हाईलाइटर अगर है एंड इफ यू लव टू यूज हाईलाइटर यू ऑल कैन यूज इट, डिप इट योर सेल्फ ऑन पूरा हाईलाइटर पे, बट आई एम नॉट समवन जिसको नहीं पसंद है बहुत ज़्यादा, तो आई एम अवॉइडिंग दैट हाईलाइटर वाला पार्ट। थोड़ा मैंने लगा लियो मेरे हाईएस्ट पॉइंट पे और नोज एरिया पे, थोड़ा चीक अराउंड के एरिया पे। लास्ट थिंग लेफ्ट इज़ माई लिपस्टिक। लिपस्टिक आई एम यूजिंग दिस पिंक कलर। मैं ये पिंक कलर के लिपस्टिक को यूज़ करी हूँ। आज डन माई मेकअप, माई आईज, माई लिप्स एंड फाइनल स्टेप इज सेटिंग स्प्रे। तो आई एम यूजिंग NY बेका सेटिंग स्प्रे गाइज। दिस इज द डूई फिनिश सेटिंग स्प्रे। एज यू कैन सी लाइक मैंने स्प्रे भी कर ली एंड इट्स गिविंग अ डूई इफेक्ट। तो इस सेटिंग स्प्रे के चलते क्या हो रहा है, थोड़ा ग्लोइंग इफेक्ट दे रहा है मेरे पूरे मेकअप लुक को। सो लेट्स चेंज ड्रेस नाउ, लेट्स जस्ट एड सम झुमका। यू गो, एज यू ऑल कैन सी द कंप्लीट कंप्लीट गेस्ट मेकअप लुक गाइस। अगर आपको ये वीडियो गाइस ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार मेरे चैनल को। ऑल्सो डोंट फर्गेट टू क्लिक ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि मैं जब भी एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ एक्साइटिंग वाला वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। एट द सेम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार मेरे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो से कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ आपको कमेंट्स करना है तो कमेंट डाउन पर कमेंट भी ज़रूर कर देना। I would really love to hear from y'all.